झज्जर पुलिस ने होटलों और स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने बीती देर रात योजना बनाकर करीब 6 होटलों पर छापेमारी की, जिसमें 2 होटलों से पुलिस ने आधा दर्जन युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में काबू किया है। पुलिस का कहना है कि पिछले कई दिनों से उन्हें शिकायत मिल रही थी। जिले के कई होटलों और स्पा सेंटरों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने बकायदा मुखबिर लगाए और योजनाबद्ध तरीके से एक साथ छापेमारी करते हुए होटलों और स्पा सेंटरों में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि कुछ होटल वाले जो होटल की आड़ के अंदर स्पा सेंटर, मसाज सेंटर या वैश्यावृत्ति का काम करा रहे हैं, तो हमने काफ़ी दिन इन पे निगरानी रखी, अपने मुखबिर लगाए थे। तो आज हमारे को इतला मिली थी, तो हमने कंबाइंड काफ़ी होटलों पे रेड करी, जिसमें 2 होटलों में हमें कुछ युवक युवती जो अनैतिक कार्य कर रहे थे, तो वो हमने पकड़े हैं। इनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी तो हम रिवील नहीं कर सकते लड़कियों की, और होटल मालिक भी साथ में हम बुक कर रहे हैं उनको प्रॉपर सेक्शंस के अंदर, और इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। धाराएं कौन कौन सी लगी है सर? धारा इमोरल ट्रैफिक एक्ट की धाराएं, उनके अंदर इनका पर्चा दिया जा रहा है। सर कितनी होगी होती है? एक जो सूरज होटल है उसमें जो है पर्चा मैंने स्वयं दिया है, उसमें 5 युवतियाँ हैं और एक होटल मालिक और एक युवक जो ग्राहक था वहाँ पे, उसको हमने अरेस्ट करा। वैश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त पकड़े गए युवक और युवतियों को पुलिस थाने लेकर आई है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने होटल मालिकों और स्पा सेंटर के संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जिले में इस तरह के अनैतिक कार्य किसी भी सूरत में नहीं चलने दिया जाएगा और उनकी ये कार्रवाई इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। झज्जर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।